तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जी ट्वेंटी ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि हमारे जो क्लासेस होती है वो ऑलरेडी आपको प्रायर जो है एक दिन पहले ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, आपको यूट्यूब के माध्यम से, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से और आपको इंस्टाग्राम के माध्यम से बता दिया जाता है कि जो नेक्स्ट रहेगी वो क्लास किसकी रहेगी। दोस्तों जो आज की जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जो टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड। तो आज मैं दोस्तों आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि कोड ऑफ एथिक्स है क्या, मोरल वैल्यूज क्या है, बाकी के प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, सारी चीज, बाकी के टॉट के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा इसी में कि होता क्या चीज है, क्योंकि यहां से भी दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन आपको आपके अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलते हैं, ठीक है। और उससे पहले दोस्तों, आप अगर हमारे जी ट्वेंटी ट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो ये जी ट्वेंटी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में एक बेल आइकन भी है दोस्तों, राइट साइड में, उस बेल आइकन पे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऑल नोटिफिकेशन वाले पे आप क्लिक कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी इंपॉर्टेंट कोई भी क्लास आएगी या फिर वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी हमारी वैकेंसी अलर्ट अपडेट्स आएगी वो आपको हमारे जी ट्वेंटी ट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो है आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स। सो मैं कोड ऑफ एथिक्स की बात करता हूं कि कोड ऑफ एथिक्स दोस्तों है क्या। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ एथिक्स कुछ मोरल वैल्यूज है दोस्तों जो कि हमें एज अ नर्स हमें ध्यान में रखते हुए, कुछ मोरल वैल्यूज हमें ध्यान में रखते हुए अपने प्रोफेशन पे, अपने प्रोफेशन में, अपने कोवर्कर्स के साथ में, अपने प्रैक्टिस में, ये सारी चीज जो है अपन को ध्यान देनी है और उसके मुताबिक अपन को क्या है अपनी ड्यूटी जो है वो करनी है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में अगर दोस्तों इस कोड ऑफ एथिक्स की मैं बात करूं तो कोड ऑफ एथिक्स का इसका मतलब क्या है, मोरल वैल्यूज, इसका क्या नाम है, मोरल वैल्यूज, ठीक है। अगर दोस्तों इसकी मैं बात करूं कि एस्टेब्लिश कब हुआ, एस्टेब्लिश किसके द्वारा हुआ दोस्तों, एस्टेब्लिश बाय आईसीएम। जैसे कि मैंने आपको दोस्तों हेल्थ केयर एजेंसीज अभी पढ़ाई थी, बाकी की जो एजेंसीज है वो मैं आपको लेटर ऑन पढ़ाऊंगा, तो आईसीएम के बारे में मैंने आपको बताया था। ये क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेस, ठीक है। तो ये क्या है, आईसीएम की फुल फॉर्म है और कब स्टेब्लिश हुआ अगर मैं बात करूं तो 1953 में। इसको दोस्तों आप यहां पे स्टार मार्किंग करके लिखेंगे कब स्टेब्लिश हुआ कोड ऑफ एथिक्स इंटर आईसीएम के द्वारा, तो 1953 में। उसको अगर मैं बात करूं कि रिवाइज कब हुआ, रिवाइज इन 2012, ठीक है। तो रिवाइज कब हुआ दोस्तों, यहाँ पे 2012 में हुआ, और जो एस्टेब्लिश कब हुआ 1953 में, किसके द्वारा, आईसीएम के द्वारा। तो ये भी आपको स्टार मार्किंग करनी है, तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, किसने किया यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आईसीएम के द्वारा, और जो कब हुआ 1953 में, और रिवाइज कब हुआ दोबारा से वो हुआ 2012 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिखने के बाद अपन चलेंगे अपने जो फोर प्रिंसिपल्स है ना कोड ऑफ फिजिक्स के उसके बारे में। तो इसको आप नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद में अपन जो है वो बात करेंगे किसके बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में। अब दोस्तों अपन बात करते हैं यहां पे फोर प्रिंसिपल्स के बारे में। तो आईसीएम ने दोस्तों यहां पे कुछ प्रिंसिपल्स रखे थे जिसको अपन ध्यान में रखने हैं, तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे, वो चार प्रिंसिपल्स थे जिसको अपन अभी इसमें पढ़ेंगे। तो यहां हम लिख देते हैं फोर एलिमेंट्स या फिर प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो पहला क्या था दोस्तों, यहां पे नर्सिस एंड पीपल, सेकेंड नर्सिस एंड प्रोफेशनल, तीसरा नर्सेज एंड
प्रैक्टिस दोस्तों हमारा फोर्थ हो जाएगा, नर्सेस एंड को-वर्कर्स। तो ये क्या है दोस्तों, इनके बारे में बताए तो ये फोर एलिमेंट्स है, प्रिंसिपल्स हैं कि नर्सेस एंड पीपल, नर्सेस को जो है वो पीपल के साथ में कुछ मोरल वैल्यूज है वो साथ में लेके चलनी है, नर्सेस एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पे प्रोफेशन है, इसके रिलेटेड भी आपको कुछ कोड ऑफ एथिक्स में बताऊंगा, नर्सेस एंड प्रैक्टिस और नर्सेस एंड को-वर्कर्स। को-वर्कर्स मतलब जो साथ में जो काम कर रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, को-वर्कर्स बोलते हैं। तो इनके बारे में कुछ अपन मोरल वैल्यूज जो दी गई है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको भी आप नोट करना है अपने नोट्स में, तो नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी अपन चलते हैं जो अपना नेक्स्ट है कि इसके जो एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं वो यहाँ पे कौन से होते हैं। तो अब मैं दोस्तों यहां पे मैं बात करूंगा कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स की। तो यहां मैं लिख देता हूं सबसे पहले एथिकल प्रिंसिपल्स। इसमें फर्स्ट हमारा ऑटोनॉमी। सो ये याद रखिए कि ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे PGIMER चंडीगढ़ में दोस्तों आपसे इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो PGIMER चंडीगढ़ में एथिकल प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो इसको आप केयरफुली रीड आउट करेंगे और अपने नोट्स में दोस्तों यहाँ पे जरूर लिखेंगे। सो ऑटोनॉमी क्या होता है, ऑटोनॉमी मतलब राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये क्या होता है दोस्तों, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि एम्स जो है दोस्तों वो आपका क्या है, एक ऑटोलोगस है, यानी कि ऑटोनॉमी है। उसने अगर जो राइट्स ले लिए जो आपको वो करना है, तो वही चीज सारे दिल्ली एम्स को जो है आपने मान लिया, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन है, यानी कि वो खुद एक ऑटोलोगस ऑटोनॉमी है। उसने अगर डिसीजन ले लिया तो बाकी को भी क्या है, मानना पड़ेगा। तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, ऑटोनॉमी और नॉन माल इसियंस, ये क्या होता है, नो हार्म टू अदर्स, मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको क्या कहते हैं, नॉन माल इसियंस। तीसरा है दोस्तों यहां पे बेनिफिसेंस, इसका क्या हुआ दोस्तों, ड्यूटी टू डू गुड, ड्यूटी टू डू गुड, मतलब ड्यूटी टू डू गुड, ये है अपना बेनिफिशियंस। नॉन मैलफिशियंस क्या है, नो हार्म टू अदर्स। ऑटोनॉमी क्या है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है ऑलरेडी, जो भी एग्जाम्स गए हैं पुराने, और आपसे एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। तो इन तीनों का आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं जो नेक्स्ट है अपने, जैसे जस्टिस, फेडरिटी और वेरासिटी, उनके बारे में। तो इनको आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं जो अपने नेक्स्ट तीन है उनके बारे में। यहाँ पे अब फिडेलिटी क्या होता है, ड्यूटी टू डू वॉट वन हैज प्रोमिस्ड। फिडेलिटी का दोस्तों यही मतलब होता है कि ड्यूटी आपको करनी है, व्हाट वन हैज प्रॉमिस, जो कि प्रॉमिस किया है उस हिसाब से आपको ड्यूटी करनी है, उसे अपन क्या बोलते हैं, फिडेलिटी बोलते हैं। और अगर बात करूं मैं नीचे कुछ लिख के इधर, जस्टिस, जस्टिस वर्ड किस में काम आता है, जस्टिस वर्ड का काम आता है दोस्तों यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको करना है। ये नहीं कि आप किसी को ज्यादा महत्व दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, किसी पेशेंट को ज्यादा आपने दिया, किसी को कम, किसी अमीर पेशेंट को ज्यादा आप केयर कर रहे हो, किसी गरीब को कम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जस्टिस का है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सब काम आपको करने हैं, वो अपनी मोरल वैल्यूज हैं। तो इसको आप नोट डाउन करो, इसके बाद में अपना जो एक रह गया है वेरासिटी, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। दोस्तों अब अपना जो लास्ट है वो आपका जो वेरासिटी, उसको देखते हैं।
वेरासिटी, द ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रुथ, द ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रुथ, ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं अपन वेरासिटी। तो ये हो गए दोस्तों हमारे छह, जो कि हमारे क्या थे, एथिकल प्रिंसिपल्स थे, जो कि आपने देखा, ऑटोनॉमी, नॉन मालफिशियंस, बेनिफिशियंस आपका, आपका जस्टिस और फेडरलिटी, और लास्ट में आपका यहाँ आपने वेरासिटी देखा। तो द ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रुथ, ये थे हमारे दोस्तों आपका एथिकल प्रिंसिपल्स। अब अपन चलेंगे जो अपने टॉट के बारे में, तो इसको लिख के अपन नेक्स्ट चलते हैं। जो टॉट है, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं, उसे अपन पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों अपने पढ़ते हैं जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया टॉट के बारे में। अब पढ़ेंगे टॉट क्या चीज है। तो टॉट क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेता हूं। वायलेशन ऑफ सिविल लॉ अगेंस्ट अ पर्सन और अ पर्सन्स प्रॉपर्टी। टॉट क्या है, ये लॉ है, सिविल लॉ है, किसके अगेंस्ट में, किसी पर्सन के अगेंस्ट में, या किसी पर्सन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, क्या है, वॉयलेशन ऑफ सिविल लॉ है, एक लॉ है किसी पर्सन के खिलाफ या फिर पर्सन के प्रॉपर्टी के खिलाफ, जो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉट कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन की, तो एक यहां दोस्तों होता है अनइंटेंशनल टॉट, उसको यहां होता है इंटेंशनल टॉट। सो ये जो है, इसके दो क्लासिफिकेशन है, अनइंटेंशनल टॉट और इंटेंशनल टॉट। तो इसके बारे में मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये इसके क्लासिफिकेशन आप नोट डाउन कर लो, फिर अपन चलते हैं इनके एक एक पॉइंट के बारे में कि अनइंटेंशनल टॉट में कौन कौन आते हैं और इंटेंशनल टॉट में कौन कौन आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से भी समझाऊंगा कि आपको इजी वे में समझ में आ जाए, क्योंकि एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आप इजी वे में जो है इन टॉट्स को समझ सकते हैं, ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन इनमें से आए तो आप बिल्कुल भी इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप इतना नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं अपने अनइंटेंशनल टॉट के बारे में। तो अब अपन पढ़ते हैं जैसे यहाँ पे अनइंटेंशनल टॉट के बारे में। दोस्तों बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा जिससे आप यहाँ पे वो भूल नहीं सकते हैं, उस तरीके से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं अन इंटेंशनल टॉट। अनइंटेंशनल टॉट में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? पहला नेगली जेंसी, दूसरा माल प्रैक्टिस, तीसरा ब्रीच ऑफ ड्यूटी। तो यहाँ पे आप केयरफुली समझिएगा कि तीन वर्ड्स जो है कौन से हैं, और इन्हीं में से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन भी बनते हैं कि नेगलिजेंस क्या है, माल प्रैक्टिस क्या है, और ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नेगलिजेंस क्या है। दोस्तों ये मोस्ट कॉमन यहाँ पे लिख सकते हैं, मोस्ट कॉमन टॉट क्या है, यही है, स्टार मार्किंग कर लेंगे, पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टॉट तो नेगलिजेंस ही। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पुटअप होते हैं कि आपको पूछ लेंगे कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अनइंटेंशनल टॉट एक्सेप्ट, तो आपको दोस्तों क्या है, कोई तीन ऐसे दे देंगे, एक्सेप्ट ने पूछा है तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ अनइंटेंशनल टॉट, तो आपको क्या है, एक्सेप्ट पूछेंगे तो तीन आपको कोई ये दे देंगे, और जो चौथा है दोस्तों वो आपका इंटेंशनल टॉट में से कोई, जैसे बैटरी दे दिया, ये हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर अपना बैटरी जाएगा। या फिर पूछ लेंगे व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ टॉट एक्सेप्ट, तो उनके कोई तीन दे देंगे, और इनमें से एक माल प्रैक्टिस, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, नेगलिजेंस में से कोई एक दे देंगे।
तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिएगा नेग्लिजेंसी है क्या। अब नेग्लिजेंसी की दोस्तों मैं बात करूं तो नेग्लिजेंसी में आपका ये आएगा कि आपको कोई काम करना था लेकिन आपकी नेग्लिजेंसी से आपने वो काम नहीं किया, यानी कि आप वो काम नहीं कर पाए, तो आपकी नेग्लिजेंसी से वो काम रह गया। जस्ट लाइक एग्जाम्पल समझिएगा, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा कि यहाँ पे आप एक आपका एक पेशेंट था, तो उस पेशेंट की आपने साइड रील्स जो है दोस्तों वो अप नहीं करी और आपने भूल गए, आप ये समझ लीजिए नेग्लिजेंसी कर दी, आप भूल गए, या फिर किसी पेशेंट का दोस्तों वो यहाँ पे बीपी लेना था और वो पेशेंट जो है यहाँ पे हाइपरटेंसिव पेशेंट था, उसके बाद में बीपी नहीं ली तो वो पेशेंट क्या है दोस्तों स्ट्रोक में चला गया, और पेशेंट की आपने साइड रील्स अपनी करी तो वो पेशेंट जो है क्या बेड से फॉल हो गया, गिर गया। तो दोस्तों ये क्या थी, ये आपकी नेग्लिजेंसी कहलाएगी, जो कि हमारे अनइंटेंशनल टॉट में आते हैं, यानी कि अनइंटेंशनल टॉट मतलब आपने दोस्तों यहाँ पे जानबूझ के तो नहीं किया, लेकिन आपकी नेग्लिजेंसी आप भूल गए, आपने जानबूझ के तो नहीं किया, ऐसा नहीं है आपके आप जानबूझ के आपने ये कर दिया, साइड रील्स अपनी करी दूसरों ने निभाने के कारण, ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद नहीं आया या फिर आप भूल गए और कोई काम में बिजी हो गए जिसके कारण आप बीपी नहीं ले पाया, साइड रील्स अपनी कर पाया, इस कारण से आपका जो पेशेंट है वो फॉल हो गया, नीचे गिर गया, तो दोस्तों वो क्या कहलाएगी, आपकी नेग्लिजेंसी कहलाएगी। अब दोस्तों माल प्रैक्टिस में क्या होता है, जैसे माल प्रैक्टिस में क्या होता है, आपको वो काम आपने जो करना था वो आपने गलत कर दिया, ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं प्रोफेशनल टॉट, इसको अपन और क्या नाम से जानते हैं, प्रोफेशनल टॉट। सो प्रोफेशनल टॉट क्या होता है, प्रोफेशन मतलब जहां आप काम कर रहे हैं आपका जो प्रोफेशन है, जिस लाइक आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, तो आपका प्रोफेशन है, ठीक है, तो वो प्रोफेशन है आपका, तो उस टाइम पे दोस्तों आप जब ड्यूटी कर रहे थे तो फेलियर टू पहले का तो ये था फेलियर टू प्रोवाइड केयर, तो आप फेल हो गए, केयर नहीं कर पाए, लेकिन इसमें क्या है, आपने माल प्रैक्टिस यानी कि आपकी जो ड्यूटी थी, आपने ड्यूटी पे जो काम किया वो आपने ड्यूटी पे वो गलत तरीके से आपसे हो गया, ठीक है, आपने जानबूझ के नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूं अनइंटेंशनल टॉट में कोई भी काम आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आपने एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कोई मेडिकेशन एरर हो गया, ठीक है, आपने दोस्तों यहाँ पे डोजेस वगैरह कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, आपको इंजेक्शन साइट में गड़बड़ हो गई, आईएम देना था एससी दे दिया, आईवी देना था आईएम दे दिया, ठीक है, जिस कारण से मेडिकेशन एरर हो गया, गलत टाइम पे दे दिया, ठीक है, तो मेडिकेशन एरर इस तरीके से आपका, जिससे कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है दोस्तों, तो वो आपके किस में जाएंगे, आपके माल प्रैक्टिस में जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस की वजह से जो गलत थी उसकी वजह से प्रोफेशनल आपका टॉट बना, जिससे पेशेंट की डेथ हो गई या फिर कोई मेडिकेशन एरर हो गया या पेशेंट जो है वो यहाँ पर डेथ होने से उसका बच गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी आती है माल प्रैक्टिस में दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी में, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी में, तो ड्यूटी में भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो ड्यूटी आपको जो करनी थी, आप उस टाइम पे आप यहाँ पे हॉस्पिटल में थे एज अ नर्सिंग ऑफिसर, उस टाइम पे जो आपको ड्यूटी करनी थी वो आप वहां पे उस टाइम पे प्रोवाइड या फिर उस टाइम पे आप ड्यूटी नहीं कर पाए, उसको क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी बोलते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे जो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि हमारे अनइंटेंशनल टॉट थे, जो कि आपने यहाँ पे नोट डाउन आप कर चुके होंगे, ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला आपका जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं कि आप जो भी आपने काम किया दोस्तों उसके लिए आप खुद एक रिस्पॉन्सिबल है, जो भी काम हुआ उसके लिए आप खुद एक रिस्पॉन्सिबल है जब आप ड्यूटी करें, तो सिंपल सीधा भाषा में ये है ब्रीच ऑफ ड्यूटी कि आपने जो काम किया है उसकी गलती, उसके जो आपका रिस्पॉन्सिबल है वो आप कौन होंगे, आप खुद होंगे, तो वो किसमें आता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी में आता है। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे जो इंटेंशनल टॉट है वो कौन कौन से होते हैं, जहां से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, ये फिर अपन चलते हैं जो अपने इंटेंशनल टॉट है उसके बारे में, ठीक है। सो तो अब अपन चलते हैं जो अपने इंटेंशनल टॉट है उसके बारे में। इंटेंशनल टॉट कौन से होते हैं दोस्तों, जो कि आपने जानबूझ के किए हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अपन इंटेंशनल टॉट। तो अब अपन यहां लिख लेते हैं जो अपना सेकंड है इंटेंशनल टॉट। सो तो इंटेंशनल टॉट में कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले तो एजोल्ट, दूसरे में बैटरी,
तीसरे में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। और भी है दोस्तों कई, तो आपका पहला जो हो गया वो असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गई, ये तीसरा क्या हो गया हमारा, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो गया। तो आप इसको समझिएगा किस तरीके से होता है। तो फॉल्स अगर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, बैटरी या असॉल्ट क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊंगा ये तीनों ही क्या है, यहाँ पे इंटेंशनल टॉर्ट है। इंटेंशनल टॉर्ट मैं फिर से आपको बता रहा हूँ जो कि आपने जानबूझ के किया, उन टॉर्ट को क्या बोलते हैं, इंटेंशनल टॉर्ट। तो सबसे पहला क्या है, असॉल्ट। असॉल्ट में क्या है दोस्तों, आपने किसी भी पेशेंट को यहाँ पे मेंटली या फिजिकली जो है आपने डराया है किसी पेशेंट को, तो वो किस में आएगा, असॉल्ट में आएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे पेशेंट को आपने गन दिखा के डराया, या फिर पेशेंट को आपने ऐसे बोला कि मैं आपको जो है जान से मार दूंगा, तो वो उस किस में आएगा, यहाँ पे असॉल्ट में आएगा। तो वो कौन सा टॉर्ट है, इंटेंशनल टॉर्ट है। सेकंड बात करूं दोस्तों बैटरी, तो बैटरी की मैं बात करूं तो बैटरी में आता है कि आपने बिना पेशेंट की, बिना यहाँ पे क्लाइंट की परमिशन के, बिना पेशेंट को जो है वो टच किया, तो वो किस में आएगा, बैटरी में आएगा, ठीक है। और जो तीसरा है हमारा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये किस में आएगा, फॉल्स मतलब दोस्तों झूठा, यानी कि आपने पेशेंट को दोस्तों झूठा बिलीव दिलाया है। जिसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने पेशेंट को बोला कि आप यहाँ पे बिना पे किए आप यहाँ से हॉस्पिटल के बाहर नहीं जा सकते, यानी कि बिना आप हॉस्पिटल का पैसा दिए, पेड किए, आप यहाँ हॉस्पिटल के बाहर यहाँ नहीं जा सकते हैं। या फिर पेशेंट को जो है आपने जबरदस्ती जो है क्या है बांध के रखा है, रिस्ट्रेन करके रखा है, वो किस में आएगा, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा। तो ये तीन क्या थे, इंटेंशनल टॉर्ट के एग्जांपल थे। तो इसके बाद में और भी एग्जांपल्स हैं, इसको आप नोट डाउन करो, फिर अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में। तो अब दोस्तों अपन नेक्स्ट अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे इधर ही लिख लेते हैं, फोर्थ जो है डिफेमेशन। इसमें आएंगे दोस्तों यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे इसलिए एक आता है सिलेंडर, और एक आता है दोस्तों यहाँ पे वर्बल तरीके से, और वर्बल नहीं लाइबल तरीके से। और पांचवा जो आएगा वो आएगा यहाँ पे आपका फ्रॉड। पांचवा कौन सा आएगा, यहाँ पे आपका फ्रॉड। तो इन दो को समझा देता हूँ दोस्तों मैं सबसे पहले, कि डिफेमेशन और स्लैंडर लाइबल और फ्रॉड में आपका क्या अंतर है दोस्तों। यहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे लिखा है आपका, कि यहाँ पे डिफेमेशन, तो डिफेमेशन में क्या आएगा, किसी के दोस्तों यहाँ पे पेशेंट की आपने जो जानकारी है उसको आपने क्या किया यहाँ पे डिस्क्लोज किया किसी पर्सन के, अदर पर्सन के साथ में, तो वो होता है डिफेमेशन। इसमें दोस्तों सिलेंडर और लाइबल दो तरीके से होता है। सिलेंडर ऐसे आप यहाँ लिख सकते हैं स्पीक, और ऐसे दोस्तों यहां लिख सकते हैं आप लिख कर के। तो दोस्तों सिलेंडर मीन्स स्पीक और लाइबल्स मीन्स एल से लिख करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, सिलेंडर मीन्स क्या होता है, आपने किसी पेशेंट की जो है वो इन्फॉर्मेशन को आपने डिस्क्लोज किया, वो कैसे किया आपने, बोल करके सबको, तो वो क्या किसमें कहलाएगा आपका सिलेंडर। और आपने अगर बिना बोले लिख करके किसी की इन्फॉर्मेशन को शेयर किया, डिस्क्लोज किया पेशेंट की, तो वो किसमें आएगा आपका लाइबल में आएगा। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पे फ्रॉड की मैं बात करता हूँ, तो फ्रॉड में क्या आएगा दोस्तों, यही है कि आपने कोई फॉल्स चीज आपने वो किसी पेशेंट को जो है वो बताई है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्रॉड अपन उसको उसमें कहलाते हैं, ठीक है। बाकी का दोस्तों एक और भी चीजें हैं इसमें, कुछ पॉइंट्स और भी रह गए हैं, जैसे आपका इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, और भी कुछ चीजें, तो इनको आप नोट डाउन करो, इसके बारे में नेक्स्ट के बारे में चलते हैं। और दोस्तों हमारा यहाँ पे सिक्स वाला है वो क्या है, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। दोस्तों फ्रॉड आपको एक समझ में आ गया होगा, कि यहाँ पे एक और तरीके समझाऊं, कि पर्पसफुल फॉल्स प्रेजेंटेशन आपने अगर बताई है तो वो फ्रॉड में आता है, और इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में वो ये आएगा दोस्तों, आपने पेशेंट की जो है पेशेंट के केस के बारे में, ठीक है, आपने एक्सपोज कर दिया, ठीक है। तो एक्सपोजर ऑफ पेशेंट्स केस, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ, और भी अपन नेक्स्ट रब करके मैं नेक्स्ट लिखता हूँ कि और जो है वो कौन कौन से बच गए हैं जो कि इंटेंशनल टॉट में आते हैं। तो अपना नेक्स्ट अपन देखते हैं
इंक्लूजन और पब्लिक डिस्क्लोजर। दोस्तों इन दोनों का क्या मतलब है? पहले वाले में जो लिखा है आपका इंट्रूजन, इंट्रूजन में मतलब है कि आप किसी के पर्सन्स के आप यहाँ पे प्राइवेट अफेयर्स में आप यहाँ पे दखलंदाजी कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रूजन बोलते हैं। बाकी पब्लिक डिस्क्लोजर में क्या है दोस्तों? किसी भी क्लाइंट के या फिर किसी भी पर्सन के आपके प्राइवेट लाइफ को आपने क्या कहे पब्लिकली क्या है डिस्क्लोज कर दिया, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग पब्लिक डिस्क्लोजर बोलते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पे आपके जो है वो आर्ट जो कि आपके रहने वाले आपके इंटेंशनल टॉट में रहेंगे। अब है नेक्स्ट अपना मलाइज। दोस्तों इसमें क्या होता है, इस मलाइज में क्या होता है, आप यहाँ पे जो पर्सन यहाँ पे जानता है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ वो रॉन्ग है, फिर भी दोस्तों वो क्या है, वो इस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? मलाइज बोलते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों यहाँ पे एक और वर्ड आता है अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन में यहाँ पे दोस्तों क्या है, अप्रोप्रिएशन में मतलब जिससे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो अप्रोप्रिएशन में होगा कि यहाँ पे किसी पर्सन का नेम यूज करना, वो भी क्या ऑफिशियली कॉमर्शियली जिस टाइप से, और उस पर्सन को पता भी नहीं है फिर भी उसका नेम फेम जो है वो यूज में लेना। जिस लाइक आप मान के चलिए कोई बंदा अगर टॉप करता है और उस बंदे की टॉप की है तो उसको पता भी नहीं है मेरा पोस्टर कहाँ लग रहा है, कौन से कोचिंग लग रहा है, किस कोचिंग में उसने टॉप किया है, तो वो पर्सन की अगर इन्फॉर्मेशन ले ली जाती है और कहीं और पे कॉमर्शियली यूज की जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन यहाँ पे बोलते हैं। तो ये हो गए दोस्तों हमारे जो 10 हैं वो जो कि रहेंगे हमारे इंटेंशनल टॉट यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, एक और दोस्तों यहाँ पे अपने जो लास्ट नंबर के हैं वो है क्राइम। वो कौन से होते हैं? आपका जैसे फेलोनी और मिसडेमीनियर। ठीक है दोस्तों, अब फेलोनी में क्या होगा? फेलोनी में जो वो आते हैं जो कि आपके यहाँ पे सीरियस क्राइम होंगे वो, और मिसडेमीनियर में वो आते हैं जो कि आपके लेस सीरियस क्राइम होंगे वो। तो ये दोस्तों हमारे 11 थे यहाँ पे इंटेंशनल टॉट जो कि मैंने आपको वन बाई वन जो है वो आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसके बाद अपना एक लास्ट और टॉपिक रह जाएगा कि लीगल लॉट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फिर अपन जो टॉट का जो चैप्टर है वो अपना यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो अब अपन दोस्तों यहाँ पे पढ़ लेते हैं लीगल लॉ टाइप्स के बारे में। यहां मैं लिख लेता हूं लीगल लॉ टाइप्स। तो पहला आ जाएगा हमारे यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सिविल लॉ, और यहां पे आप लिख सकते हैं टॉर्ट लॉ, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं गुड समार्टन लॉ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सिविल लॉ, टॉर्ट लॉ और हमारा कौन सा गुड समार्टन लॉ। ठीक है, तो अपन ये जो चार लिखे अपने सामने के कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सिविल लॉ, टॉर्ट लॉ और गुड समार्टन लॉ, इनके बारे में अपन यहाँ पे अब पढ़ेंगे। तो सो एक और होता है यहाँ पे आपका क्रिमिनल लॉ। तो आप इनको एक बार नोट डाउन करो, फिर अपन इनके बारे में वन बाई वन पढ़ते हैं। मैं आपको बोलता जाऊंगा और आपको क्या है यहाँ पे एग्जांपल के साथ भी समझा दूंगा कि किस तरीके से ये काम में आएगा। ठीक है, तो बाकी का दोस्तों जैसे कि सामने लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में, तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है,
कि आपका यहाँ पे एक किसी भी कॉन्सर्न विद आपका एग्रीमेंट हो किसके खिलाफ, अमाउंट प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ जो लॉ होगा उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ होगा, और सिविल लॉ में क्या होगा दोस्तों, रिलेशनशिप होगा किस किस में, आपके किसी पर्सन में और पर्सन के राइट के प्रोटेक्शन के बीच में। और क्रिमिनल लॉ की मैं बात करूं तो ये होगा दोस्तों रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट के बीच में। और टॉर्ट लॉ की बात करूं तो ये है दोस्तों हमारा यहाँ पे लॉ विद एथिकल कॉन्सेप्ट। एथिकल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो ये टॉर्ट लॉ होगा। और गुड समार्टन लॉ की बात करूं दोस्तों, ये आपका गुड समार्टन जो लॉ है, ये गुड समार्टन लॉ कब काम में आता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ अच्छे एग्जाम्पल से। तो गुड समार्टन लॉ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका गुड समार्टन लॉ में कैसे आप बोल सकते हैं, ये एक ऐसा लॉ है जिसको आप यहाँ पे जैसे सपोज डेट आप हॉस्पिटल में आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर रहे हैं, और वहां पे उस टाइम पे अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो जो डॉक्टर पेशेंट की अगर प्रायोरिटी है, पेशेंट की जान बचानी है, पेशेंट कोलैप्स ना हो जाए, उससे पहले पेशेंट की जान बचानी है हमको ताकि डेथ ना हो, और उस जगह डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्टर की जगह अगर हम उस काम को करते हैं तो उससे क्या है दोस्तों, अगर हमारे ऊपर कोई केस वगैरह भी होता है कि आपने वो क्यों किया, डॉक्टर भी तो था, तो उस टाइम पे दोस्तों हम ये जो लॉ है आपका गुड समार्टन लॉ, इसकी वजह से दोस्तों हम जो है यहाँ पे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है, ये आता है हमारा गुड समार्टन लॉ में। ठीक है, तो ये थी हमारे टॉट की बात। उससे पहले मैंने आपको बताया कोड ऑफ एथिक्स, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों आपको अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ पे पूछने को जरूर मिलता है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के जो टॉपिक है वो एथिक्स के, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। ठीक है, बाकी के दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, साथ में लोगों को भी शेयर करिएगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट जो है दोस्तों अपनी मेहनत से अपने लैरिंग्स की बैंड बजा के दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पेश करते हैं, तो उसका दोस्तों हमको यहाँ पे कुछ मोटिवेशन मिलना चाहिए कि वीडियो को लाइक जरूर करेगा, अच्छी लगे तो आप कमेंट करेगा और लोगों तक भी शेयर करेगा, ताकि उन लोगों तक भी इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट जो है दोस्तों जो है वो मिल सके। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी बजाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो आपके सामने आ सके। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।